वेलकम फ्रेंड्स, होम टेक्स एंड टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि हमने पहले 4 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल किया था और जिसमें हमने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ था, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी तक जिस सब्जेक्ट पे बात नहीं हो पाई वो था कि कितना जनरेशन करता है। तो मैं ये जो जनरेशन है आपको पूरा लाइव बताऊंगा। वैसे तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल 5 यूनिट जनरेट करता है, तो उसके अनुसार ये 4 किलोवाट का है तो इसको कम से कम 20 यूनिट जनरेट करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं, जो कि हमने 5 मार्च में इसको लगाया हुआ था, तो 5 मार्च से आज 14 मार्च हो गई है और ये हम देखते हैं टोटल जनरेशन। ये हम अंदर आ गए हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा ये टोटल, फोकस करता हूँ, ये 163 यूनिट। ठीक, तो 163 यूनिट के अनुसार हमें इसको देखें तो ये लगभग 19 यूनिट के आसपास इसने जनरेशन करा है पर डे के हिसाब से। तो ये बहुत ही कम लॉसेस के साथ है, तो इतना थोड़ा बहुत एक पॉइंट तो चलता है। और ये अब इसमें कुछ छोटी छोटी जानकारी जो नहीं दे पाया था मैं आपको पिछले वीडियो में, यह है इसमें जैसे वायर जो एंकर का यूज हुआ है, ECDB ये सब एंकर की यूज हुई है, और जो DC वायर है जो आपको दिख रहा है ये DC वायर, ये जो ब्लैक DC वायर गया ये पॉलीकैप का यूज हुआ है। और ये भी बता देता हूँ 4 स्क्वायर mm वायर है, बाकी अर्थिंग वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। जब भी आप सोलर लगाएं तो काउंटिंग भी कैसे करना है आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से पता करना है कि कितने किलोवाट का पैनल कितने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। आपका जो बिल है सबसे मैक्सिमम बिल जो आएगा आपका गर्मी का सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसकी सबसे ज़्यादा यूनिट हो, तो सबसे ज़्यादा यूनिट जितनी है उसको आप 3030 से भाग दें और उसके बाद जो यूनिट निकलेंगे उसके हिसाब से आप काउंट करें कि आपके यहाँ कितने किलोवाट की नीड है, क्योंकि हाईएस्ट बिल से ही काउंट करें। आप पूछेंगे कि यार कभी कम आता है ठंड में, कभी गर्मी में ज़्यादा आता है, तो हाईएस्ट क्यों चुनें? तो क्योंकि सोलर को हाईएस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपका जनरेशन गर्मी में ही ज़्यादा होना है और उसके बाद बाकी कुछ डेज ऐसे रहते हैं जैसे बरसात है ठंड है तो उसमें कम जनरेशन होता है। तो उन सबको मिला के टोटल अप्रोक्स आपका सही आ जाए जनरेशन। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।